Harihi Sharanam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Krishna Govind Hare Murari. He Nath Narayana Vasudeva. Jai Sri Krishna. Nimishi Nimishakshetri Rushaya Saunakadaya Satram Swargaya Lokaya Sahasra Samamashatam. Ek var devataon ke kshetra Naimisharanya mein Shaunakadi rishiyon ne Paramatma ki prapti ke liye सहस्र दिन व्यापी बड़ा भारी सत्र किया था. स्वर्गाय लोकाय का अर्थ है परमेश्वर की प्राप्ति के लिए. स्वह स्वर्गे गीयते इति स्वर्गः यः परमेश्वरः तस्य लोकाय. सत्र माने सत्संग. एक दिन ऋषियों ने हवनादि करके सूत जी का सत्कार किया और जब सूत जी आनंद से बैठ गए तब उन्होंने उनसे आदर पूर्वक प्रश्न किया. प्रश्न में आदर अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वक्ता का हृदय संकुचित हो जाता है. ऋषियों ने जो सूत जी से प्रश्न किया वही उनका बड़ा भारी आदर हो गया. इससे बढ़कर और कोई आदर नहीं हो सकता कि बड़े बूढ़े महात्मा शंका समाधान के लिए प्रश्न करे. इससे उनकी विनम्रता प्रकट होती है और वे जिससे प्रश्न करते हैं उसके प्रति उनका आदर प्रकट होता है. यह आदर प्रकट करने की श्रेष्ठ पद्धति है. तो ऋषियों ने पूछा कि निष्पाप सुत, आपने इतिहास सहित पुराणों का अध्ययन किया है. इतिहास घटनाप्रद और पुराण शिक्षाप्रद होते हैं. एक ही घटना जब शिक्षा देने के उद्देश्य से वर्णित हो जाती है तब उसका नाम पुराण हो जाता है, और जब केवल उसके यथार्थ रूप के प्रदर्शन के लिए उसका वर्णन किया जाता है तब वह इतिहास हो जाता है. परीक्षित गर्भ में आए और उनकी रक्षा हो गई, यह इतिहास है. पर भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उनकी रचना की, इसका वर्णन पुराण हो गया. ऋषियों ने कहा, सूत जी, शास्त्र बहुत से हैं और उनमें नाना प्रकार के कर्मों का वर्णन है. उन सबको समझना और करना पड़ा बड़ा कठिन है, इसीलिए श्रद्धालुओं को उनका सार बताइए. आप जो कहेंगे उसको हम सत्य रूप से मानेंगे, अपनी जिद या वासनावशित विचारों पर अड़े नहीं रहेंगे. सुत जी, आप यह बताइए कि भगवान ने क्या करने के लिए वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लिए. उनका अवतार तो लोगों के कल्याण और अभ्युदय के लिए होता है. भगवान इतने महान है कि यदि मनुष्य विवश होकर भी उनका नाम ले तो संसार के भय से छूट जाए. भय तो भगवान से स्वयं ही भयभीत रहता है. भगवत चरणाश्रित संत महात्मा प्रसमायना अर्थात शांति के आश्रय होते हैं और वे तत्काल पवित्र कर देते हैं. पवित्रता गंगाजल से भी होती है, परंतु बहुत दिनों के सेवन से होती है, क्योंकि गंगा जी से पवित्रता हमें अपने आप लेनी पड़ती है. महात्माओं से पवित्रता लेनी नहीं पड़ती, वे स्वयं अपनी ओर से पवित्रता दे देते हैं. भगवान का चरित्र सुनने में भला किसकी रुचि नहीं होगी, क्योंकि उससे हृदय की शुद्धि होती है.
कलिमल का नाश होता है। भगवान के चरित्र बड़े उदार हैं, कर्माण्य उदाराणी, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक दे उसको उदार बोलते हैं। भगवान की लीला इसीलिए उदार है कि वह लीलापति का दान करती है, यही उसका अपने सामर्थ्य से अधिक का दान है। जैसे नौकर मालिक का दान करे और कर्म करके मालिक का दान करे, वैसे ही भगवान का चरित्र भगवान का दान करता है। आप भगवान के चरित्र का अनुसंधान करें तो वो भगवान को लाकर आपके हृदय में बैठा देगा। बड़े उदार है भगवान के चरित्र। अतः सुत जी, आप भगवान के अवतार का वर्णन करिए। वे स्वच्छंद अवतार ग्रहण करते हैं, उनके चरित्र श्रवण से कभी तृप्ति नहीं होती। जो लोग भगवान का चरित्र श्रवण करते हैं, उनके लिए वह पद पद में स्वादु हैं। हमें स्वयं भगवान के चरित्र से तृप्ति नहीं मिलती। वयम तु न वितृप्यामः। तृप्ति तब होती है जब पेट भर जाए, लेकिन इससे पेट कभी भरता ही नहीं। यदि चीज खत्म हो जाए तो जबरदस्ती तृप्त होना पड़ेगा, किंतु भगवान की लीला कभी समाप्त होने वाले नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इससे कान कभी भरते नहीं, इसका रस कभी जाता नहीं, यह बीरस कभी होती नहीं। इसमें तो पदे पदे नए नए रस का आस्वादन होता रहता है। इसीलिए हे सूत जी, बताइए कि भगवान ने अवतार लेकर क्या क्या काम किए। हम लोग कलिकाल में इस वैष्णवी क्षेत्र में दीर्घ सत्र के व्याज से बहाने से बैठे हुए हैं। आशीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे, हम श्री हरि की कथा के लिए सक्षण हैं, सावकाश हैं। हमें ब्रह्मा जी ने बता रखा है कि सुत जी तुमको पुराण सुनाएंगे, इसीलिए कृपा करके बताइए कि भगवान श्री कृष्ण का लीला संवरण हो जाने के बाद इस समय धर्म कहाँ रह रहा है। यह प्रश्न सुनकर रोम हर्षण नंदन उग्र श्रवा बड़े प्रसन्न हुए। रोम हर्षण का अर्थ है रोए खड़े करने वाला। वे जब कथा करते तो श्रोताओं के रोए खड़े हो जाते, सब रोमांचित हो जाते। इसीलिए ऋषियों ने सोचा कि जब सूत जी प्रवचन करेंगे तो हम सब पुलकावली मंडित हो जाएंगे। अब प्रश्नकर्ता ऋषियों के प्रश्न का अभिनंदन करके सूत जी बोलने की तत्पर हुए। इसके बाद गुरु वंदना करते हुए बोले, ऋषियों मैं आपके मूल प्रश्न का उत्तर देने के पहले भगवान की लीला का वर्णन करने वाले श्री सुखदेव जी का स्मरण करना चाहता हूँ। यम प्रब्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म सन्यासी थे, भगवान के दर्शन के लिए ही संसार में प्रकट हुए थे। वे यज्ञोपवीत आदि संस्कार के लिए गुरु के पास उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि जहाँ विकार होता है वहाँ संस्कार की जरूरत होती है। परमात्मा का स्वरूप तो अविकृत और असंस्कृत है, उसमें महापुरुष सुखदेव जी पहले से ही प्रतिष्ठित हैं। जहाँ बाल उगते ही न हो वहाँ उस तरह लगाने की क्या जरूरत है। जहाँ पसीना आता ही न हो वहाँ साबुन से धोने की क्या जरूरत है। सुखदेव जी तो अभिकृत परमात्मा है। व्यास सरी का महात्मा ब्रह्म सूत्र का गीता का कर्ता व्याकुल हो गया इनके लिए और बेटा बेटा करके पीछे दौड़ा। उनको वृक्षों ने उत्तर दिया, क्योंकि वृक्षों की आत्मा भी भगवान ही है और भगवान का साक्षात स्वरूप सुखदेव जी हैं।
जो वृक्षों में प्रत्यक्ष चैतन्य है वही सुखदेव जी में प्रत्यक्ष चैतन्य है। वृक्ष और मनुष्य में शरीर की उपाधि से अतिरिक्त कोई भेद नहीं है, इसलिए तरव अभिनेदुहु उत्तरम ददुहु। वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया, अयम सर्वभूत हृदय, यह तो सबके दिल में बैठा हुआ परमात्मा है, सर्वभूत हृदय अयते इति। इसलिए ऋषियों हम सर्वप्रथम उन मुनि सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं जिन्होंने स्वानुभव अपना असाधारण प्रभाव भागवत में प्रकट कर दिया है। ये संपूर्ण श्रुतियों का सार है और एकं एति इति एकः, जो सब में अनुगत हो, इसकी बराबरी का दूसरा कुछ नहीं है। जो भागवत में है वही सब जगह है, जो भागवत में नहीं है वो कहीं नहीं है। यह हमारे अंतःकरण का दीपक है और घोर अंधकार से पार करने वाला है। संसारियों पर करुणा करके श्री सुखदेव जी महाराज ने इस गुह्य पुराण का उपदेश किया है। वे मुनियों के गुरु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। गुरुदेव की वंदना करने के बाद ईश्वर की वंदना होती है, गुरु पहले ईश्वर बाद में। यदि गुरु न हो तो न वेद की अपौरुषेयता ज्ञात होगी, न धर्म ज्ञात होगा, न ईश्वर ज्ञात होगा और न आत्मा ज्ञात होगा। नित्य परोक्ष वस्तु और नित्य अपरोक्ष वस्तु का ज्ञान केवल वाक्य के द्वारा ही होता है। यह नियम वेदांत शास्त्र का है और इसे आप अपने हृदय में बैठा लें। स्वर्ग और स्वर्ग का साधन वेद के बिना मालूम नहीं पड़ सकता। अपना जो नित्य अपरोक्ष आत्मा है वही ब्रह्म है, यह बिना वाक्य के ज्ञात नहीं हो सकता। चाहे हजार ध्यान कर लो, यह बताना ही पड़ेगा कि जो स्वयं तुम हो वही परमात्मा है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पहले प्रतिपाद्य देवता नारायण का स्मरण कर लो, फिर नरोत्तम का माने कृष्ण और अर्जुन दोनों का, क्योंकि नारायणं नरं चैव सत्यमेकं द्विधा स्थितम्। एक ही वस्तु दो रूप में प्रकट हो रही है, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और वक्ता व्यास जी को नमस्कार करके अंतःकरण की दोष दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने वाले इस जय का उदीरण करना चाहिए। सूत जी ने जो ऋषियों से कहा कि आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, सो इसीलिए कि वह कृष्ण विषय का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न से ही आत्मा संप्रसन्न हो जाता है। सांसारिक प्रश्नों से राग द्वेष बढ़ता है और आत्मा में विपात आता है, किंतु भगवत विषय का प्रश्न हृदय में संप्रसाद लाता है। असल में एक ही परम धर्म है, सवई पुंसांग परो धर्म। सामान्य धर्म का वर्णन मनवादी श्रुतियों में है और परम धर्म भागवत में वर्णित है। परम धर्म वह है जिसे अधोक्षज भगवान में भक्ति होती है। अधस्तात अक्षस्य पुनर्जात इति अधोक्षज, जो छकड़े के नीचे मानो फिर से पैदा हुए उनका नाम अधोक्षज। अधोक्षज माने श्री कृष्ण। चारों ओर जड़ता छा गई थी, जड़ता में चैतन्य का प्रकाश हो गया। उनकी ऐसी भक्ति हो जिससे कोई हेतु न हो, निर्हेतुक हो। दूसरी बात यह है कि भक्ति अप्रतिहत हो, टूटे नहीं, इससे परमात्मा प्रसन्न होता है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो
ये नात्मा संप्रसीदति। भगवत विषय का प्रश्न करने से अंतकरण की शुद्धि होती है और भक्ति से भगवान की प्रसन्नता होती है। जनयत्यास वैराग्यम ज्ञानम च तद हैतुकम। भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति योग का प्रयोग ऐसा है जैसे पत्नी और पति का मिलन हो। भक्ति है पत्नी, परमात्मा है पति और भक्ति योग है दोनों का समागम। जब हमारी प्रीति परमात्मा के समागम करती है तब क्या होता है? भक्ति तो बांझ नहीं और भगवान नपुंसक नहीं, तो दोनों के समागम से बच्चा तो होगा ही होगा। क्या बच्चा होता है? दो होते हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग। इसमें परमात्मा की अंश की प्रधानता से जो बच्चा होता है उसका नाम ज्ञान, और भक्ति अंश की प्रधानता से जो बच्चा होता है उसका नाम वैराग्य है। एक से जब राग होता है तो दूसरे से वैराग्य हो जाता है। दूसरे को छुड़ाने वाला वो वैराग्य है और परमात्मा को आविर्भाव करने वाला ज्ञान है। अब परमात्मा और भक्ति दोनों के संयोग से जो पैदा होता है वो क्या संसार की तरह 10 महीने के बाद होता है? नहीं। जनयत्यासु, भक्ति माता के पेट में बच्चों को क्रमशः बढ़ना नहीं पड़ता, वे तुरंत ही पैदा हो जाते हैं। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेन कथासुजः नोत्पादयेत् यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्म का फल भगवत कथा में प्रीति होना है। यदि भगवत कथा में प्रीति नहीं हुई तो वह धर्म नहीं, श्रम है। धर्म और श्रम का भेद समझ लो। रुई साफ करना, लोहा साफ करना, मशीन बनाना, गन्ने गढ़ना इत्यादि ये सब श्रम है, और अपने हृदय को भगवदाकार बनाना धर्म है। जिससे हृदय का निर्माण हो वह धर्म, और जिससे बाह्य वस्तुओं का निर्माण हो उसका नाम श्रम है। जो निर्माण बाहरी चमक दमक के लिए होगा वह श्रम तो होगा, परंतु उससे अंतकरण की शुद्धि नहीं होगी। आप यह बात ध्यान में रखो कि धर्म छुड़ाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। वदन्ति तत्त्व तद्विदः तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। अद्वैत ज्ञान का नाम तत्व है। जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग नहीं है, जड़ और चेतन अलग अलग नहीं है, जीव और ईश्वर अलग अलग नहीं है, प्रकाश और प्रकाशक अलग अलग नहीं है। अद्वैत ज्ञानं वेद निर्मुक्तम्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उपनिषदों में उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को हिरण्यगर्भ परमात्मा कहते हैं, पंचरात्र के उपासक उसी को भगवान कहते हैं। अब यदि कहो कि वह मालूम कैसे पड़ता है तो पहली बात देखो, तत्श्रद्धाना मुनयः। इसमें साधनों का वर्णन है, एकांतवासित्व, श्रद्धालुत्व, विवेकित्व, वैराग्ययुक्तत्व, श्रवणशीलत्व और दृढ़ भक्तित्व। इन साधनों के द्वारा अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है। जो एकांतवासी हो, श्रद्धालु हो, श्रवण किए हो, ज्ञान वैराग्य से युक्त हो और जिससे हृदय में इस प्रकार की भक्ति आ जाए, वह अपने आप को ही देखता है। यह भक्ति यूं ही नहीं आ जाती, श्रुतगृहीतया, श्रवण से आती है। संसार में यदि किसी रूपमान व्यक्ति से, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो अथवा सुंदर पेड़ पौधा हो, तो उसे आंख से देखकर उससे प्रेम कर लेंगे, किंतु
यदि परमेश्वर से प्रेम करना है तो जीभ से चाटकर, नाक से सूंघकर, आंख से देखकर प्रेम नहीं किया जा सकता। उसके प्रति तो सुनकर ही प्रेम हो सकता है। श्रवण के बिना भक्ति आ ही नहीं सकती। इंद्रिय गोचर पदार्थ के प्रति दूसरे प्रकार से भी भक्ति उत्पन्न हो सकती है, परंतु अतीन्द्रिय के संबंध में श्रवण के बिना भक्ति नहीं हो सकती। जो लोग श्रवण का निषेध करते हैं वे तो परमार्थ साधन की जड़ ही काट देते हैं। सबका मूल श्रवण में है, क्योंकि परमेश्वर इंद्रिय गोचर नहीं है। शुश्रूषोः सद्दानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान् महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। इसी श्लोक में साधनों का क्रम बताया गया है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने भक्ति रसायन ग्रंथ में इसी को साधन भक्ति के क्रम में लिया है। पहले पुण्यतीर्थ का सेवन करो। पुण्यतीर्थ में जाने से महापुरुष की सेवा मिलेगी। महापुरुष की सेवा से श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ेगी तो श्रवण करने की इच्छा होगी। श्रवणेच्छा से कथा में रुचि हो जाएगी। जब कथा में रुचि होगी तो भगवान आकर हृदय में बैठ जाएंगे और वहाँ जितनी मलिनता है उसको दूर कर देंगे। जब सारी मैल दूर हो जाएगी तब भक्ति में निष्ठा आ जाएगी। सर्वत्र काम क्रोध की निवृत्त हो जाएगी। और चित्त उनसे अनाबिद्ध होकर निर्मल हो जाएगा। इस प्रकार मन भक्ति से निर्मल होगा तब आसक्ति छूट जाएगी और आसक्ति छूट जाने पर भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यह तो हमारे सभी वैदिक संप्रदायों की मान्यता है कि तत्व ज्ञान से ही ग्रंथि भेद होता है। जिनका परमात्मा अद्वैत है उनको अद्वैत विज्ञान से, जिनका परमात्मा विशिष्ट है उनको विशिष्ट विज्ञान से, और जिनका परमात्मा द्वैत है उनको द्वैत विज्ञान से। किंतु तत्व विज्ञान के बिना हृदय ग्रंथि का भेदन नहीं हो सकता है। सारे वेद तात्पर्य रूप से वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं। वासुदेव ही उनका तात्पर्य गोचर है। सारे यज्ञ कार्य कारण का प्रतिपादन करके परमेश्वर की ओर ही ले जाते हैं। संपूर्ण योग का अभिप्राय है हृदय स्थित परमात्मा में पहुंचना। सारे कर्म कांड का उद्देश्य प्रभु की पूजा है। सारा ज्ञान वासुदेव विषयक है। सारा तप परमात्मा के लिए है। सारा धर्म, सारी गति परमात्मा के लिए है। ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है और वे इसमें प्रविष्ट होकर गुणवान के समान मालूम पड़ते हैं। जैसे लकड़ी बड़ी हो, छोटी हो अथवा मोटी हो, किंतु एक ही आग उसमें तरह तरह से मालूम पड़ती है, वैसे ही इस विश्व सृष्टि में एक ही परमात्मा नाम रूप की उपाधि से सर्व रूप में प्रकाशित होता है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, जैसे चार्वाक आदि, उनके लिए तो अवतार की प्राप्ति हो नहीं है। जैन मत में भी अवतार नहीं होता। वहाँ तो जीव ही शुद्ध होकर दीतराग तीर्थंकर हो जाता है। बौद्धों में भी बुद्ध शुद्ध होकर अपने स्वरूप में बैठते हैं। मुसलमान, ईसाई और आर्य समाजी, ये तीनों ईश्वर को केवल निराकार मानते हैं। उनके मत में भी ईश्वर का अवतार नहीं होता, परंतु जो ईश्वर को सर्वात्मा मानते हैं
पीपल, मछली, गाय, पति, गुरु सबको भगवान मानते हैं। जिनके मत में परमेश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उनके लिए मूर्ति और ईश्वर की पूजा सिद्ध होती है। यह निराकारियों की नहीं, सर्वात्मवादियों की, अद्वयात्मवादियों की वस्तु है और इसमें अवतार एवं मूर्ति पूजा की सिद्धि होती है। निराकारवादी लोग अपने अपने पंथ की दृष्टि से निषेध करते हैं, किंतु सर्वात्मा भाव के सिद्धांतों में तो पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, पानी आदि सबकी पूजा होती है। वहाँ पत्नी की भी पूजा होती है, माता की भी पूजा होती है, कुमारी की भी पूजा होती है और आत्मा का भी पूजा होती है, क्योंकि इन सब में भगवान का अवतार होता है। भगवान अनेक रूपों में है, कभी देवता, कभी पशु और कभी पक्षी। जिसको सुअर होने में संकोच नहीं, मछली होने में संकोच नहीं, शेर होने में संकोच नहीं, वो कितना निडर होगा। उसकी निर्भयता, उसका स्वातंत्र तो देखो। वैसे परमात्मा का एक स्वरूप निराकार भी है, उसको हम भी मानते हैं, उसका उपहास नहीं करते। परंतु हमारा जो अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि का सिद्धांत है, वह सर्वम कल्विदम ब्रह्म, ब्रह्मैवैदं वरिष्ठम, इस दृष्टि से है। हरि शरणम, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय श्री कृष्ण।